करेगा। बस हो गया। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम आ चुके हैं एक न्यू गेम प्ले के साथ, जहाँ पे हम खेल रहे हैं इलेक्ट्रिक हार्ट। तो हम एक ऐसे जगह पे गाइस जहाँ पे एक एनिहिलर मतलब हमें एक किल करने वाला है। तो हमें यहाँ से निकलना है और सब बहुत सारे पजल सॉल्व करनी है। तो वो बंदा भाई पीछे लग जाता है और ये पूरा एक गेम एक तरह से इलेक्ट्रिक चीज़ों से भरा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रिक हार्ट है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें मिल सकती है, जैसे कि एक रिमोट, और ये किस चीज़ का मुझे नहीं पता। जो चीज़ पता ना हो उसे फेंक देना ही बेहतर रहता है। तो इसे ड्रॉप करके यहाँ पे, तो अभी तक तो वो नहीं आया भाई जिसका हम इंतज़ार है। वो आ गया, आ गया भाई, मेरे पीछे लग गया। वो क्या है वो चीज़ मुझे नहीं पता। आपने देखा ना, एक पिरामिड जैसा दिखने वाला है। जान लो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये क्या है, एक केजी है, ठीक है। अरे भाई साहब, ये क्या, ओ काट दिया, काट दिया, काट दिया, ठीक है। क्या फिर से मैं जागूंगा या फिर गेम ओवर हो गया? डेड टू द हार्ट डिफिकल्ट टू मोर लेजर ही विल शूट। तो हाँ भाई, मैंने ज़्यादा हार्ड पे नहीं लगाया गेम, सिंपल पे लगाया, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, इंसान नहीं खेलना चाहिए। कैश डोर की, ओ भाई ये भाई इधर ही है क्या? तो किचन में था वो, मुझे मिला। ओके, ये क्या हो जाएगा, गैरेज की। ओके, हमने अभी अभी गैरेज डोर देखा है, हमें पता है गैरेज डोर कहाँ पे। तो यही पे गैरेज डोर, ये देखो। ओके, तो इन चीज़ों को खोलने की जगह चाहिए हमें। हाँ पता चल रहा है भाई, सिर्फ मुझे नहीं पता सिर्फ का कोड क्या है। पैडलॉक, तो ये सेव करने के लिए लगता है, सेफ है ना भाई ये। ओके, पिछली बार हमें कहाँ पे मिला था वो, सारे ड्रॉस इतनी खुलते हैं इसके, पता कैसे चलेगा फिर। ओ भाई लेजर भी मार रहा है बंदा। चलो चलो भाई, क्या म्यूजिक लगा रखा है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ये सीजर्स हमारे पास है। अरे अरे पीछे, ये भाई पीछे, भाई इतनी तेज, इतनी तेज तो कोई नहीं गया भाई मेरे से। ओ भाई इससे छुटकारा कैसे पाऊँ, ये भी ना सोचा जा रहा मेरे से। अरे यार इधर जाता है, इधर आता है, ये यहाँ पे कई चीज़ें चाहिए थी ना ये। ओके, मुझे कुछ और चीज़ें मिली हैं, पर का क्या करना है मुझे नहीं पता अभी तक। ये खुलता नहीं, खुलता ये नहीं, खुलता भाई ये नहीं खुलता। चलो यहाँ से जितनी दूर जाएंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा अपना। देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं। एक सिंपल बाथरूम है बस, और एक मुझे दरवाज़ा दिख रहा है, इसके अंदर जाऊँ तो। ओके, ये चीज़ मुझे लगा ही कुछ होगा यहाँ पे। ये खुलता नहीं है, खुलता नहीं गाइस वो, ठीक है। पट्टी वही भी फेंक देता हूँ, एक जगह पे ला के रखने में फ़ायदा है उनका। अब मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे, कांट हाइड, आई कांट हाइड ये। What the fuck?
चलो ये इधर घूम रहा था तो मैं बाकी जगह भी एक्सप्लोर करना चाहूँगा गाइस, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करना है हमें। समथिंग हेवी चाहिए तुमको, इसमें होगा ना कुछ? नहीं, इनमें भी कुछ नहीं है। ओके ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए उसके लिए। तो उसने बोला समथिंग हेवी चाहिए उसके लिए, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा भाई इसके लिए समथिंग हेवी, वैसे नहीं चलेगा वो। यहाँ पे एक येल्लो की भी चाहिए, ये भी याद रखना पड़ेगा। नथिंग है भाई यहाँ पे, कुछ भी नहीं। अरे भाई पीछे तक आ गया मेरे, वो क्या चीज़ है बे, वो बवाल चीज़ है बे। यहाँ पे अलमारी है वैसे, अरे भाई साहब पीछे आ गया, वो लेजर मारने लग गया भाई। क्या करो, भागते रहो या कुछ कर दू या नहीं? एक काम करता है, इसे बंद कर देता है। अब क्या करेगा वो, पता ही नहीं चलेगा उसको। ठीक है चुपके देखते हैं। ठीक है यहाँ पे नहीं है वो, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है। हेवी बुक मिल गया भाई, हेवी ड्राइवर को हेवी बुक दिला दिया तुमने। तो वो ऊपर ही है ना, वो आ गया भाई, पीछे आने वाला है, इसको घुमाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा इसको। अच्छा आने वाला है वो, ओके भाई बहुत हो गया म्यूजिक तुम्हारा, इलेक्ट्रिक गिटार बजा दिया समझ में, बहुत ही अजीब लगता है भाई ये। कुछ तो खिला है, मुझे पता था इस अलमारी के अंदर कुछ नहीं है ना, इसमें कुछ मिलेगा हमें। कि यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास है, टॉवर है, खाली है, खाली है, नीचे की चीज़ें खोलो, यहाँ पे कुछ है, कुछ तो दिला दो यार, कुछ भी नहीं। आधे से ज़्यादा गेम में तो कुछ होता ही नहीं भाई, फालतू की चीज़ें भी डाल देते हैं, ये होता है। जैसे मशीन का कोर लग रहा है मुझे, और ये देखो यहाँ पे है क्रोबार, मशीन का कोर लेके जाते हैं मैंने। चलो ये क्या है, आई नीड ए फ्यूज, फ्यूज बॉक्स, आई सेवन मीन वन नीड फ्यूज, आए ना वे। चलो इसको लेके जाते हैं, अब नहीं पता चलेगा उसे क्या, मैं इसके अंदर छुप सकता हूँ। ओके भाई हम इसके अंदर छुप गए, इसको क्या ही पता चलेगा इसके अंदर क्यों नहीं। चलो अब
हमारे पास तो कोर आ चुका है ना इसका, तो अब क्या टेंशन है? अब तो कोई टेंशन नहीं है, देखो चालू हो चुका है। फिर भी हमें की भी तो चाहिए होगी। अरे भाई ये इधर ही है, इसको घुमाना पड़ेगा। आ जा भाई तो इधर आ जा। वैसे मुझे गेम भी लंबे करने पसंद है, पर ये वाला थोड़ा अलग है। अरे भाई इसने मुझे शॉक मार दिया। चलते ऊपर और एक बार। आ जाएगा आ जाएगा। चलो वजिए, उसको पता नहीं हम इस जगह पे, इसमें इस सिचुएशन में फंसा कैसे, ये तो इसने बताया ही नहीं। और क्या हाल करते हैं मेरा यार, क्रोबार है मेरे पास। वैसे बहुत सारी चीज़ें खोल सकता हूँ, वो नीचे बेसमेंट है वहाँ पर भी जा सकता हूँ। कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम इजी। ये देखो ये खोल, ये नहीं यहाँ पे था ना, ये देखो। अब ये यहाँ से मैं जा पाऊँगा? यस जा सकते। तो एक रास्ता खुल चुका है हमारे लिए, और ऐसे बहुत सारे रास्ते होंगे ही यहाँ पे। चलो देखना पड़ेगा उनको। ओ भाई साहब मैं नहीं आने वाला था। अरे अरे कहाँ से मारा इसे मुझे? अरे भाई साहब मैं नीचे जाने वाला हूँ, ये बच गया। ये बैंडेड किस काम की? वहाँ पे तो रोबोट भी है भाई, लेकिन उस रोबोट को जाने तो फिर हम देखेंगे क्या कर सकते। वो देखो यार एक छोटा सा रोबोट है वहाँ पे, मिनी मिनी रॉड जैसा, हमने मिनी रॉड देखे ना। ओके ये यही पे काम आ गया, बहुत बढ़िया। एक रोबार तो चाहिए इसके लिए। अरे भाई अरे भाई अरे भाई खत्म कर दिया भाई मुझको। ये कैसे हो गया भाई? ये भाई बहुत ही खतरनाक रोबोट निकला है, मुझे खत्म करते हैं। फिर से एक बार चलते हैं, इसको भी वहीं पे लेके चलते हैं। मुझे कुछ मिला नहीं है यहाँ पे इसे इसके लायक, मतलब नीचे का ही कुछ पार्ट होगा भाई। चलो नीचे चलते डायरेक्ट, पहले मुझसे उससे हॉट से बचना पड़ेगा भाई, बंदे से बचना पड़ेगा। एक गन वन होगी तो आप बहुत बढ़िया बताए। भाई मुझे देख के मार रही है क्या वहां पे? चलो जा रहा है। अरे भाई नीचे बैठ जा। यहाँ पे काम का सर्वर रूम की चाहिए बोल रहा है फिर। इसलिए ये चीज क्या है? ओके यहाँ पे इतनी बार में छेद है, यहाँ से जाएगा तो मैं यहाँ से जाऊंगा। ठीक है वो जा रहा है। चलो हमारा एक काम तो हुई है, इसको यहाँ पे फेंक देता हूँ। अब ये वाली भी लेके चलता हूँ, शायद यहाँ पे काम आ जाए, नहीं तो क्रोबार तो अपना ही वहाँ भाई। वो बंदा अब उस तरफ जाएगा, तब हमें उधर जाना भाई। क्या पजल बना रखी है, एकदम डरावनी। ओके
पैडलॉक की मैनी थी पैरों के नीचे भाई। ओके मुझे येलो की भी मिली है और यहाँ पे आप एक देख सकते हो, यहाँ पे कैश कैन भी है। मुझे आ रहा है चलो हो जा रहा है, हमें अब एक बार और चक्कर मार के आना पड़ेगा। वैसे हमारे पास दो चीज़ें तो हो चुकी है, तो एक बार वापस वहाँ पे जाएगा और वापस आएगा तब हम वापस से वहाँ पे एक और चीज़ थी उसे लेके आएंगे। यहाँ पे शायद से उस स्पेसशिप में लगाने की चीज़ें, अच्छा हुआ मैं वो बटन वाला लेके चला गया क्योंकि मुझे ऊपर कोई पजल मिला ही नहीं भाई। मुझे सोचना पड़ ही गया था मैं कि इसे नीचे लेके जाना पड़ेगा और ये ट्रैप डोर होने की वजह से क्रोबार भी नीचे ले आया। ठीक है हमें बहुत ही तेज़ी से जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होगा, ये बॉट आने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो वैसे तो हमारा तीसरा डे चल रहा है, मतलब हम ज़्यादा ये नहीं कर सकते। देखो कैसुलिन क्या नहीं है, बंदा आएगा क्या यहाँ पे ये देखना है बस। आएगा वो ज़रूर आएगा, इसे ये देख रहा हूँ पूरे बॉट से यहाँ पे वो देखो आ रहा है। अरे भाई अरे यार इसे मुझे मार डाला ओके okay, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, कुछ तो कट सीन लग गया है। अब ये मत कह देना ये सारे मिलके हमको खत्म करने वाले, ऐसा ही होने वाला है भाई, ऐसा ही होने वाला है, इस सारे मिलके हमें अब ख़त्म कर देंगे। अरे खोलो भाई दरवाज़ा, खोलो खोलो दरवाज़ा भाई मेरा। अरे भाई अरे ऐसा मत करो यार, ये तो फाड़ के रख देंगे मेरे। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड भाई इतना टाइम मत लगाओ जल्दी करें, बस हो गया एक बार और करते हैं। ठीक है तो इस बार मैं डायरेक्ट एंडिंग सीन पे चला जाऊंगा, फिर से वही सब खेल के भाई दिखाने में मज़ा नहीं आएगा। तो अभी मैं इसे लेके जाऊंगा और पेट्रोल लेके जल्दी से चलाऊंगा और हमारा गेम भी कंप्लीट हो जाएगा भाई। देखो गैसोलीन ले लिया मैंने और मैं अभी यहाँ पर छुप जाता हूँ, देखते हैं अब वो कितनी देर में आएगा। वैसे भी उसे 11 सेकंड लगते हैं, दो बार गेम खेल चुका हूँ और मुझे पता है कि वो यहाँ पे ज़रूर आएगा और बाकी गेम प्ले तो सेम ही था। तो यहाँ से देखते हैं, मैं यही पे अटक गया था पिछली बार। हम देखो अब वो 11 सेकंड वहाँ पर रखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखा 11 सेकंड में चला गया। अब मुझे यहाँ से निकलने में कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ मुझे आराम से यहाँ से निकलने में, वो मुझे देखना भाई बस इतना ही। और हमारे पास सभी चीज़ें तो डायरेक्ट चलते स्पेसशिप की तरफ भाई, और मैं स्पेसशिप को रिपेयर कर लेता हूँ 2 मिनट। तो हमारे पास सारी चीज़ें, मैं 2 मिनट में सबको असेंबल कर लेता हूँ, तब तक वो इलेक्ट्रिक मशीन भी मेरे पास नहीं आएंगी। तो ये तो खुल चुका है, चलो इसका काम हो चुका है, मैं जल्दी से बाकी चीज़ों को भी असेंबल कर लेता हूँ। देखो इसे भी यहाँ पे लगा देना है, फिर इसको यहाँ पे लगा देना है, फिर इसको यहाँ पे लगा देना है और हम रेडी, और हम यहाँ से निकल लेंगे भाई और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये मिल गया है और जूम करके कायम। अरे क्या हो गया, कुछ हो गया। तो चलो हमारा स्क्रिप तो कंप्लीट हो गया है गाइस, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करते हुए जाना, प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलता है भाई वीडियोस को। और कमेंट में लिख दीजिए अपना नाम या फेवरेट क्या आपको इसमें बहुत अच्छा लगा। तो बाय बाय, मशीन भी जा रही है, चलो।
आई विल किल हिम विद द रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. कॉन्ग्रेचुलेशंस यू विन. ओके थैंक यू. तो सरला का वीडियो देखना है तो यहाँ पे देख लीजिए, वो भी बहुत ही बढ़िया गेम है.